अभी हम आ चुके हैं जेपी इलेक्ट्रिक की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं जेपी की ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जो कि मैंने इसको काफ़ी सारे सड़कों को देखा, मतलब दिल्ली में जहाँ पर मिला सड़कों में नहीं देखा, इसका फ्रेंड से देखते प्रोजेक्टिबिलिटी है, यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको लगेज कैरी करने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको लोगो देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको अगर देखें तो ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है, और यहाँ से आप टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देख सकते हैं। इस साइड से फ्रंट में कुछ इस तरह से एक साइड में भी आपको लगेज कैरी करने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। अच्छा, उसमें सीट भी अच्छा, इसको अगर आप होल्ड करते हैं तो ये सीट भी हो जाती है, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। कॉम्पैक्ट में आपको काफ़ी अच्छा फीचर देखने को मिल जाता है। इसका सर ड्राइविंग रेंज कितना है, रेंज इसका कितना? 100 किलोमीटर लेवल बैटरी पे रेंज। टॉप स्पीड, टॉप स्पीड आपका 30-35 रहता है। 35। और ये कितने घंटे में फुल चार्ज होता है? दोनों बैटरी मिला के 6 घंटे। सिंगल मतलब 3 घंटे। और इसका सर आप प्राइस कितने पर जाते हैं? सर इसमें 95,000 का है डबल बैटरी के साथ। और सिंगल बैटरी के साथ? सिंगल बैटरी के साथ भी प्रोवाइड करते हैं सर, दे देंगे सिंगल बैटरी के, ये डबल के साथ ही आ रहा है। अच्छा, ठीक है। और इसमें एक ही कलर आते हैं या और भी कलर? सिंगल कलर, सिंगल ग्रीन कलर। यहाँ पे आप स्टिकर वगैरह देख सकते हैं, जेपी इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है, और ये सामने से जो फुट चेक से ये इस तरह से लिखा है। और यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाता है, जो कि डिजिटल में आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्विचेस देखने को मिल जाते हैं, होम इंडिकेटर और ये से कहाँ पर। अच्छा, इसमें रियर गियर भी है, ऑर्डर हो गया ये मोड तो हो जाता है ना स्पीड में। एक बार मैचर को फोन, एक बार मैचर को फोन कीजिएगा, कौन अगर वो आपको हेल्प कर देगा। और टॉप स्पीड इसका कितना? 35। और रेंज 100 किलोमीटर का रेंज है ना? हां, 100 से हाई रेटिंग में वो भी इसको रेंज मिलता है। यहाँ पे आपको ये काफ़ी अच्छा आपको ये ऑप्शन देखा वो मिल जाता है। इसमें आप लगेज भी कैरी कर सकते हैं और अपने जो है ऑप्शन को भी बैठा के इसमें कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको बैक रेस्ट भी देखने को मिल जाता है, जो प्रीमियम काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ से आप इसको प्रीमियम का आपको फुट पैक्स हो जाते हैं, और यहाँ पर आपको डुअल जो कि सस्पेंशन देखने को मिलते हैं इस साइड में। सर भैया, ये सस्पेंशन उस साइड की है ना? डबल सस्पेंशन दोनों इसी साइड या उस साइड भी है? दोनों साइड है, दोनों साइड है सर। अच्छा, ठीक है। क्योंकि इसमें डबल दिया गया है, क्योंकि इसमें आप हैवी वेट भी इसमें कैरी कर सकते हैं। वेट कैपेसिटी इसका कितना है? 250। तो इसमें जो वेट कैपेसिटी है वो आप 200 क्विंटल से लेकर 300 क्विंटल तक भी इसमें वेट कैरी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा इसमें मिल जाता है। और डुअल बैटरी में आपको अच्छा खासा रेंज भी देखने को मिल जाता है। प्राइसिंग इसका जो है, प्राइसिंग कितना हो रहा है? 95,000। प्राइसिंग जो है आपको 95,000 में मिल जाता है। और मैंने इसको दिल्ली के सड़कों में काफ़ी सारे लोगों के पास देखा भी, तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है। जो लोग डिलीवरी भी करना चाहते हैं, स्टार्टिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप ये जेपी जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर को आप ये ले सकते हैं। बाकी जेपी में इसमें और एक मॉडल आता है, जो कि एज इलेक्ट्रिक के साइड नाम से। सर इसका फीचर्स के बारे में बता दीजिए। सर ये 2 वेरियंट में आता है। अच्छा, इसमें एक वेरियंट है सिंगल बैटरी का, डबल बैटरी। अच्छा, डबल बैटरी में चलता है 120 किलोमीटर वन टाइम चार्ज। अच्छा, ये कौन सा है? सिंगल बैटरी वाला मॉडल यही है, इसमें वेरियंट आएंगे सिंगल बैटरी डबल। अच्छा अच्छा, मॉडल यही रहेगा, उसमें सिर्फ किलोमीटर्स का डिफरेंस आ जाएगा। सिंगल वाला चलेगा आपका 60 किलोमीटर और डबल बैटरी चलेगी 120 किलोमीटर। अच्छा, जो वो चलता है वो सेम इसमें भी? हाँ। अच्छा, और 3 ईयर्स की इसकी वारंटी है बैटरी कंट्रोल और मोटर की। 73,000 का ये सिंगल बैटरी में है और 1 लाख का ये डबल बैटरी। और ये टॉप स्पीड? टॉप स्पीड सर इसकी 28 से 30 है। लो स्पीड में आता है, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लाइसेंस की जरूरत नहीं है, कुछ उसको। और इसमें कलर से सर, कलर रेड 2 इंच के अंदर, एक ग्रीन और एक ब्लैक। अच्छा, तो ये ब्लैक में और ग्रीन में। ठीक है, इतना ही रहता है। ठीक है, तो फ्रंट में अगर आप लुक देखें तो यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्ट, LED का लाइट देखने को मिल जाता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। ब्रेक साइड चले तो यहाँ पे आपको सोर्स आपको जो है डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इसमें इस साइड में आपको ये भी 1-2-3 जो है ये स्पीड का है सर। ये हाँ, ये स्पीड्स के लिए है। 1-2
और यहाँ से आप चार्ज भी कर सकते हैं। ये कितने एम्पीयर वाला चार्जर है? ये अपना नॉर्मल चार्ज 3 एम्पीयर का। और रियर साइड से आप देखते हैं इस तरीके से आपको यहाँ पर फिनेन का फुटपैक्स हो जाता है और रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। और चार्जिंग टाइम कितना? सर डबल बैटरी के अंदर 4.5 आवर, 4.5 घंटे में इसकी दोनों बैटरी चार्ज हो जाएगी। और अगर ये मतलब डुअल बैटरी के साथ ही आप लोग बैटरी के साथ सिंगल बैटरी 203 है, ये इसका डिक्की स्पेस है। कितना लीटर का है? यहाँ इसके नीचे बैटरी लगी है। कौन सा चैनल आपका? राइड विथ बाइक।